अंडर 1500 रुपीज की प्राइस में। ये है मेरे पास CP Plus का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाईफाई सीसीटीवी कैमरा, और ये है CP Plus का E35A का लेटेस्ट 2024 मॉडल, जिसको आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे। तो ये कैमरा आता है कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में। सामने यहाँ पर इसके मॉडल नेम E35A को मेंशन किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बॉक्स में इस तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स जो है वो हाईलाइट किया गया है, और इस पर मिलने वाले इन फीचर्स के बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ इस तरफ है इसकी MRP, वैसे MRP है इसकी 3300, पर आप इस वाईफाई कैमरा को ऑनलाइन मार्केट प्लेस से सिर्फ 1300 रुपये की प्राइस रेंज में परचेज कर सकते हो। और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो, तो इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कि यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस कैमरा को किस तरह से कनेक्ट और ऑपरेट करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा ये वाईफाई सीसीटीवी कैमरा, और CP Plus के बाकी कैमराज के कंपैरिजन में इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद इस छोटे बॉक्स में इसकी बाकी की एक्सेसरीज है, वॉल माउंटिंग के लिए कुछ स्क्रूज, और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलता है एक पावर एडेप्टर और साथ ही में एक टाइप सी USB केबल। तो फ्रेंड्स, हमें बॉक्स में यही सभी कुछ कंटेंट जो है वो दिए गए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने वाईफाई कैमरा की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो देख सकते हो कैमरा आता है कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में, और ये भी इसी एक वाइट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। सामने आपको CP Plus की ब्रांडिंग मिलेगी, और ये है इसका 3 megapixel लेंस जो कि ऑटोमेटिकली मोशन ट्रैकिंग के थ्रू अप डाउन या लेफ्ट राइट रोटेट होगा, या फिर आप इसे इसकी EasyCam Plus ऐप के थ्रू भी मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर हमें दिया गया है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, वैसे आप इस कैमरा में अप टू 128 GB के माइक्रो SD कार्ड को लगा सकते हो। कैमरा में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर है इसे पावर देने के लिए एक टाइप सी USB पोर्ट, और साथ ही में है एक रीसेट स्विच, और ऊपर की तरफ हमें स्पीकर देखने को मिलता है। क्योंकि ये कैमरा टू वे टॉक वाले फीचर को भी सपोर्ट करता है, तो ऐसे में हमें कैमरा पर माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है। यहाँ इस तरफ है वॉल माउंटिंग के लिए प्लेट, और वॉल माउंटिंग एक्सेसरीज हमें बॉक्स में इंक्लूडेड मिलती है। आप इस कैमरा को कुछ इस डायरेक्शन में वॉल माउंट कर सकते हो, और स्क्रीन को फ्लिप करने का ऑप्शन आपको इसकी EasyCam Plus ऐप में मिल जाएगा। मैं इस कैमरा को पिछले काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और प्राइस के हिसाब से यार इस कैमरा की परफॉर्मेंस और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इस कैमरा को सेटअप और ऑपरेट करना है। तो साथ में आई हुई इस टाइप सी USB केबल के थ्रू आपको इसे पावर देनी है। अपने फ़ोन पर आपको इस EasyCam Plus नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, और यहाँ से आपको अपने कैमरा के मॉडल नेम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इस E35A मॉडल नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आपको अपने कैमरा को वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करना है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ये जो कैमरा है सिर्फ 2.4 GHz वाले वाईफाई नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है। फिर आपको फ़ोन की स्क्रीन पर एक QR कोड शो होगा, जिसे कि आपको कैमरा के लेंस पर स्कैन करना है, और विद इन कुछ ही सेकंड्स हमारा कैमरा जो है वो हमारे वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और आपको एक वॉइस नोटिफिकेशन भी सुनाई देगी। तो कैमरा अब हमारा वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, सेटअप यहाँ पर इसका कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जल्दी से आपको इसके थ्रू कैप्चर की गई वीडियो फाइल को दिखा देता हूँ। और यदि तो आपने इसका मोशन ट्रैकिंग वाला फीचर को लेवल किया हुआ है तो ये कैमरा आपको फॉलो करेगा। तो चलिए मैं जल्दी से एक बार इसकी EasyCam Plus ऐप का इंटरफेस भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस वाले ऑप्शन से आप इसकी रेजोल्यूशन को HD या फिर SD में स्विच कर सकते हो। यहाँ से आप इसके माइक्रोफोन को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसके डिस्प्ले को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में स्विच कर सकते हो। साथ में दिए गए इस वाले ऑप्शन से आप पिक्चर को कैप्चर कर सकते हो,
और फिर आता है इसका ये टू वे टॉक वाला फीचर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं है। इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, और यहाँ पर बेसिक फंक्शन सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको टॉक मोड में ये टू वे टॉक वाले फीचर को इनेबल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलिंग वाला आइकन आ चुका है और टू वे टॉक वाला फीचर यहाँ पर इनेबल्ड है। अब आप इस EasyCam Plus ऐप से अपने कैमरा पर वॉइस कॉलिंग कर सकते हो और यहाँ से आपको वीडियो को कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि तो आपने अपने कैमरा पर माइक्रो SD कार्ड को लगाया हुआ है तो यहाँ पर दिए गए इस प्लेबैक वाले ऑप्शन में आपको रिकॉर्डेड फुटेज मिलेगी। फिर आता है इसका ये गैलरी वाला ऑप्शन, जो भी पिक्चर्स और वीडियोस को आप कैप्चर करोगे वो आपको यहाँ पर गैलरी में शो हो जाएगी। थीम कलर वाले ऑप्शन से आप एप्लीकेशन की थीम को लाइट या डार्क में चेंज कर सकते हो। फिर आता है इसका ये प्राइवेट मोड वाला ऑप्शन, इससे कैमरा का स्लीप मोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ और भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इसके नाइट मोड वाले ऑप्शन को अभी मैंने ऑटो पर सेट किया हुआ है, ऑन करने पर आप यहाँ पर देख सकते हो हमें कुछ इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। मैं दोबारा से इसे ऑटो पर जो है वो सेट कर देता हूँ। इसके मोशन ट्रैकिंग वाले फीचर को इनेबल करने पर आपको ये कैमरा जो है वो फॉलो करेगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिटेक्ट होगा तो मोशन डिटेक्शन वाला फीचर इनेबल होने पर आपको ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह से ही इसका ये साउंड डिटेक्शन वाला ऑप्शन भी काम करता है, साउंड को डिटेक्ट करने पर आपकी एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ से आप कैमरा की लेंस की डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेफ्ट राइट अप डाउन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा ये कैमरा ऑन विफ को भी सपोर्ट करता है। ये तो आपके घर में CP प्लस के कैमराज लगे हुए हैं तो आप यहाँ से ऑन विफ वाले ऑप्शन को ऑन करके इसे अपने DVR के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेसली ये आपके DVR के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस कैमरा पर मिलने वाले कुछ बढ़िया फीचर्स की। तो आप इसकी EasyCam Plus ऐप के थ्रू इस कैमरा को अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कहीं से भी इजीली ऑपरेट कर सकते हो। 3 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन रहेगी तो ऐसे में आपको इस कैमरा पर बढ़िया सुपीरियर वीडियो क्वालिटी मिलेगी। उसके अलावा 360 डिग्रीज पैन और टिल्ट व्यू है, मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन और साउंड डिटेक्शन जैसे बढ़िया फीचर्स इस कैमरा पर आपको मिल जाएंगे। ये तो आपने इसके मोशन ट्रैकिंग वाले फीचर को इनेबल किया हुआ है तो जब भी कैमरा के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो ये आपको फॉलो करेगा। और मोशन डिटेक्शन वाले फीचर को इनेबल करने पर जब भी कैमरा के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो आपके फ़ोन पर ये नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। साथ ही साथ टू वे टॉक वाला फीचर भी इस कैमरा पर आपको मिलता है। आप इसकी EasyCam Plus ऐप के थ्रू इस कैमरा पर बात भी कर सकते हो या फिर लाइव आप वीडियो देखते वक्त वॉइस को भी सुन सकते हो। वीडियो के साथ साथ ये वॉइस को भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस यार इस कैमरा की काफ़ी अच्छी है और सिर्फ 1300 रुपये की प्राइस रेंज में ये वायरलेस कैमरा एक वैल्यू फॉर मनी डील है। वैसे इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।